एक्सेल के अंदर डिव अपॉन जीरो एरर कब आता है और इसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप कंप्यूटर के ऊपर कोई डेटा देख पा रहे हो, इसमें एम्प्लॉयज का नेम लिखे हुए हैं, इनकी सैलरी है, टोटल मंथ टोटल डेज इन ए मंथ है 30, और हमें पर डे के हिसाब से सैलरी निकालनी है। तो हम इसके लिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको पता भी होगा, इज इक्वल टू टोटल सैलरी अपॉन नंबर ऑफ डेज। जैसे आप ये करोगे तो पर डे सैलरी हमारे पास आ जाएगी 266 रुपीज, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सबकी सैलरी इस हिसाब से निकाल लेंगे। बट अगर गलती से मेरे को नंबर ऑफ डेज का कॉलम डिलीट हो जाता है और मेरे पास फॉर्मूला लगा हुआ है, तब क्या होगा। मैंने डिलीट करा, तब देखिए तब ये एरर आया है, डिव अपॉन जीरो। मतलब एक्सेल के अंदर आप किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये आपको एरर देता है। जब भी डिव अपॉन जीरो का एरर आएगा, मतलब आपका सिंटेक्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और ये हमेशा डिवाइड के फॉर्मेट में ही आता है। मतलब मैक्सिमम टाइम पे डिवाइड के केस में आएगा। तो जब भी एरर आएगा, आप समझ जाओ कि यहाँ से हमारे पास कोई ना कोई सिंटेक्स गड़बड़ हुआ है। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर ऑफ डेज दे देंगे, 20, 25, 30 कुछ भी दे देंगे, तो ये अपने आप से इसकी वैल्यू सही कर देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।